बाबा राम रहीम को रेप के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। उससे पहले अपने बड़े काफिले के साथ कोर्ट पहुंचे राम रहीम को कड़ी जांच के बाद कोर्ट के अंदर घुसने दिया गया। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। उन्हें दोषी करार देते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कोर्ट ने उन सभी आरोपों को सही मानते हुए ये फैसला सुनाया है। अब सजा का ऐलान सोमवार को किया जाएगा। बाबा राम रहीम पर फैसला आते ही उनके अनुयायी उग्र हो गए और पंजाब और हरियाणा के कई इलाके में हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। पंचकुला में लोगों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और सुरक्षा बल की टुकड़ियां रवाना हो चुकी हैं। वहीं पंजाब के दो रेलवे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया है। हंगामे के दौरान पंचकुला में हुई फायरिंग में 3 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।